प्रियो, गत 14 जुलाई को गुना जिले के केंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत जगनपुर चक में दलित किसान दंपत्ति राजकुमार अहिरवार एवं सावित्री बाई पर प्रशासन एवं पुलिस कर्मियों द्वारा बर्बर तरीके से लाठीचार्ज करने तथा जहर पीने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाते हुए आज इंदौर में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। गुरुवार को अखिल भारतीय श्री बलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार के नेतृत्व में ज्ञापन में दलित किसान दंपत्ति को प्रताड़ित करने वाले अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग के साथ ही 5 लाख रुपए मुआवजा देने की बात भी कही गई। मुख्य विषय गत दिवस 14 जुलाई को गुना के केंट थाना अंतर्गत हमारे रविदास समाज का परिवार राजकुमार अहिरवार उनकी पत्नी सावित्री बाई जो वहाँ पर एक अत्यंत गरीब मजदूर परिवार है और किसान वर्ग से आते हैं उनके द्वारा फसल बोई गई थी उस फसल काटने तक का इंतजार वहाँ के प्रशासन ने नहीं किया। और जैसा कि मैंने माननीय महोदय कमिश्नर साहब के जो प्रतिनिधि थे उनको मैंने वीडियो दिखाया जिसमें सावित्री बाई की भी जमकर पिटाई की गई और राजकुमार जी की भी जमकर पिटाई की गई, यहाँ तक कि उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने जहर खाया, इतना टॉर्चर किया गया उन्हें। और जब बीच बचाव करने सावित्री बाई आई तो सावित्री बाई के कपड़े फाड़ दिए गए, अर्धनग्न स्थिति में वो स्पष्ट रूप से वीडियो में दिखाई दे रहा है कि अत्याचार हो रहा है दलितों पे, किसानों पे अत्याचार हो रहा है। ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं हम, लोकतंत्र के इस युग में जी रहे हैं, आधुनिक भारत में जी रहे हैं। ये वो दलित परिवार कोई आतंकवादी नहीं है, कोई देशद्रोही नहीं है, केवल उसने अपने जीवन यापन के लिए 2 लाख रुपया कर्जा लिया और फसल बोई थी और फसल काटने के बाद में जमीन सरकार को सुपरद हो जाती, किंतु प्रशासन ने उन पर जरा भी रहम नहीं बरसा। मैं कहना चाहता हूँ आप मीडिया मित्रों के माध्यम से कि वे भूमाफिया, वे कॉलोनी नाइजर जिन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण करके कई प्रकार के प्लाट बेच दिए, उनके सामने गुलामियों की तरह सरकार गिड़गिड़ाती रहती है, उनके इशारों पर नाचती है सरकार। ऐसा क्या हो जाता है कि दलित अत्याचार, दलित जब कोई किसान खेती करता है कुछ 2 पैसे की आवक के लिए आपका इस्तेमाल करता है या अपना पेट भरने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए आपका थोड़ी बहुत मदद ले लेता है तो आपके दिल पर, आपकी छाती पर सांप लौटने लगते हैं। यह गलत है, यह अन्याय है, दलित अत्याचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। 25 से अधिक पुलिस कर्मियों ने उनके साथ मारपीट की है, सार्वजनिक रूप से मारपीट हुई है। हमने यहाँ पर माननीय कमिश्नर महोदय को ज्ञापन देते हुए निवेदन किया है परिवार को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और जो जुल्मी करता है, जो बर्बर रूप से जिन्होंने पिटाई करी है, जो आरोपी पुलिस कर्मी है उन पर FIR दर्ज की जाए और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। ऐसा ज्ञापन पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगामी रूप से आप लोग क्या? संपूर्ण अनुसूचित जाति वर्ग, संपूर्ण दलित समाज सड़कों पर उतरेगा, उग्र आंदोलन करेगा, उग्र प्रदर्शन करेगा, अनशन करेगा, भूख हड़ताल करेगा, बाकी हम चुप नहीं रहेंगे और अब हमारी आवाज कोई दबा नहीं सकता।